एक बार 441 देखिए, थोड़ा सा मैं बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ें कैसे, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि अभी हमें 16 जून पर कंसंट्रेट करना है, 16 जून से अन्यथा कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरा कि जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। अभी स्थिति यह है, मानो कि मैं भी एग्जाम दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग क्या है, आपका आपका टाइम टेबल हमने सेट किया हुआ है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसे सर कह रहे हैं वैसे चलना है और वैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से हम भी एग्जाम दे रहे हैं, इस दे नहीं रहे, मतलब एक तरह से क्या है, टाइम टेबल आपका शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, 9:30 तक हमने आपकी इंग्लिश लगा रखी है, तो वो इंग्लिश की क्लास 9:15 पे छूट जाए या 9:30, 9:30 से लेट के लिए मना किया हुआ है सर से, तो उससे लेट नहीं लेना है, 9:30 तक। कई स्टूडेंट आप में से इंग्लिश की क्लास में नहीं आते हैं, आपको इंग्लिश की क्लास में आना ही चाहिए, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश भी हो। इंग्लिश मीडियम वालों को भी वो लेवल पे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश की क्लास है, फिर आपकी 9:30 बजे से 1:30 बजे तक आपकी लॉ की क्लास है। लॉ की क्लास के संबंध में आपको ये समझना है कि जो कुछ भी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी को आपको पक्का करना है जो रिमेनिंग टाइम है आपके पास। कई बार आपके दिमाग में ये आता है कि थोड़ा हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ऐसा मत करिए, आप इसी को पक्का करिए। जैसे आज आपका आईपीसी कंप्लीट हो रहा है और कल कोई दूसरा शुरू हो रहा है, तो आईपीसी को पीछे रिवाइज करते रहिए। मतलब ये होना ही चाहिए कि आईपीसी में पूछे हुए किसी भी क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करके आएंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना ही चाहिए, ठीक। फिर आपकी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी की क्लास है, ठीक है। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आपका घर पहुंचना और आपका लंच, दोनों इतने ही समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो आप जानो कैसे करोगे, आपका घर पर पहुंचना और लंच, चाय की थड़ी पर टाइम पास करोगे ना तो कोई काम नहीं चलेगा। बैठना ही नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं निभानी है, दोस्ती 16 जून के बाद 17 तारीख मिलेगी दोस्ती के लिए, एक दिन के लिए, क्योंकि 80 या 80 प्लस स्कोर होता है, तो हम नेक्स्ट डे से ही मेंस की इसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी जो डिफरेंट टाइप से होगी उस पर काम कर रहे होंगे, और हमारे पास पर्याप्त समय है। आरजेएस बनने के लिए समय पर्याप्त है, समय कम नहीं है। फिर 3:30 बजे से 4 बजे तक योग निद्रा, कौन सी निद्रा, योग निद्रा, लेट गए थोड़े से कठोर स्थान पर, गद्दे पर नहीं आएगी, कठोर स्थान पर चटाई पे या दरी बिछा के ऐसे पड़ गए जैसे मानो के मर ही गए हैं, और उसका तरीका है आंखें बंद करके आप कह रहे हो अपने आप से कि मेरा पैरों से चलना है, अंगूठा शिथिल हो गया है, एक सजेशन अपने आप को देते जाना है मन मन में, अंगूठा शिथिल हो गया है मेरे, अब पैर शिथिल हो गया है, मेरी
जांगे शिथिल हो रही हैं, फिर ऊपर तक चलते जाना है, मेरा पेट शिथिल हो रहा है, ऐसे ऊपर तक जो जो जिन जिन अंगों का नाम लेते हुए और उन्हें शिथिल करते चले जाना है, और करते 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 पहुंच जाना है आंखों तक, मस्तिष्क तक, और बस इसमें हर हाल में आपको करीब करीब नींद आ जाएगी। इतना करते 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 मोबाइल कम से कम स्विच ऑफ होना चाहिए, मोबाइल किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होना चाहिए, और ये करके ये कर लिया हमने, और 4 बजे से 9 बजे तक, 8:45 तक आपको फास्ट स्टडी करनी है। अब आप कहोगे कि सब इतना हम कर पाएंगे या मेहनत, इस जवानी में भी नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे? आप जानते नहीं आप मेहनत के लिए परमात्मा ने कितनी क्षमता दी है, बहुत क्षमता दी है, बहुत विल पावर दी है। जितने फोटो लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब लोग इसलिए फोटो लगे हुए इनके कि ये इनकी विल पावर बहुत अच्छी थी, और जो भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है उसके पास एक शानदार विल पावर होती है, इसीलिए वो दर्ज कराता है, अन्यथा तो नाम दर्ज कराने लायक नहीं होता व्यक्ति। आप अपने क्षेत्र में, समाज में अपना नाम रोशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास विल पावर है तो ही करोगे, नहीं तो नहीं कर पा रहे। सामान्य इंसान की तरह जियोगे, सामान्य इंसान की तरह करोड़ों लोग जी रहे हैं, लाखों में एक होता है जो इस तरह कुछ कर पाता है। तो ये तुम्हारा विल पावर के ऊपर है, थकान कुछ दिन होगी, ठीक है, फिर हमें 9 बजे से पेपर को ऐसे देना है मानो कि हम आरजेएस का ही पेपर दे रहे हैं, 9 बजे से 10 बजे तक। और कहां जाना है? राजस्थली .org.in उस पर चले जाओगे, उस पर पेपर पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और पेपर कहां से आएगा? जो आज पढ़ाया गया है, इनको भी कहा गया है केवल आप वहीं से क्वेश्चन बनाएं जो आज आपने पढ़ाया था, केवल यहां भी लॉ में हम वही बना रहे हैं जो आज पढ़ाया था। अब जैसे कल थोड़ा सा, आज में थोड़ा सा ऐसा एरिया है जैसे लूंगा थोड़ा छूट रहा है, अन्यथा तो बाकी तो आज जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये भी हिंदी वाले भी वही करेंगे। तो क्या हुआ, आज का हमने इतना बड़ा पार्ट पढ़ा उसका हमने पक्का कर लिया। फिर 10:30 से 10:30 तक मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करूंगा रात को के इतने बजे के लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ। सिर्फ वही स्टूडेंट जो जिन्होंने पेपर दिया उन्हीं के साथ संपर्क करेंगे, उनमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, कोई क्वेश्चन होंगे, उन्हें डिस्कस कर लेंगे जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आधा घंटा, और 10:30 बजे आप सो जाएंगे, और 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक आपका सोने का टाइम है, और 4 बजे से 6 बजे तक पुनः आपको पढ़ने का टाइम है, और 6 बजे से 8 बजे तक आपको यहाँ के लिए तैयार होना। और ये आपका टाइम टेबल है डेली का, और इस टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं करना है, टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। आप चाहते हो कि मैं इसी साल का प्री पास कर लूं तो, क्योंकि ये 222 सीटें अब आपके सामने कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से बाद में जो टाइम आया उसमें सीट्स उन पर एग्जाम नहीं हुआ, उनके रुके हुए सीट्स हैं, वो आपके जीवन में अब आगे कभी भी नहीं आएंगी। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी शक्ति से चाहो तो इनको कर लो, किसी कृपा के कारण नहीं, आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी और आपको शानदार गाइडेंस के आधार पर ही पाई जा सकती है, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये मेरी गारंटी है, सेल्फ स्टडी करके ये कंप्लीट ही नहीं होगा। जितने सेक्शंस को अभी आपने देखा आईपीसी को, जिस हिसाब से इतना फास्ट हो गई, वो आपसे होती नहीं किसी भी कंडीशन में। और भी सब्जेक्ट्स के साथ यही होगा, आपको लगे हम पढ़ रहे हैं,
और एक फ्रस्ट्रेशन, जितना नजदीक एग्जाम आता जाएगा एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, अरे यार इतना सिलेबस पढ़ा है मेरे तो ये भी नहीं हुआ, मैं तो सब भूल रहा हूँ। एक स्टूडेंट कहते हुए मिलेंगे, मैं तो सारा भूल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसी ऐसी स्थिति पैदा होगी उनकी। तो वो आपकी स्थिति ऐसी पैदा ना हो, उसका एक ही तरीका है। और साथ साथ मैंने आपसे कहा था छोटी वाली डायरीज बना लीजिए, शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है, जो 11 तारीख 12 13 14 15 जून 5 दिन हमारे पास जो होंगे, वी शैल रिवाइज अगेन एंड अगेन आवर डायरीज ओनली, तैयारी हो चुकी है, या वी शैल रिवाइज अवर हाइलाइटेड पोर्शंस। तो मैंने पहले प्लान कर रखा 11 तारीख का क्या करना है, 12 को क्या करना है, 13 14 15 हमारे पास टाइम आवर्स में है, नॉट इन मंथ्स, मंथ्स में हमारे पास कोई समय नहीं है, घंटों में है। तो घंटों में डिवाइडेड समय का उपयोग आपको, चूंकि मैं आपका कोच हूं आप खिलाड़ी हैं, तो आपको मेरे अनुसार चलना है, अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है, और ना आपके पास है वो उसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए वो ऐसी बुद्धि, मेरे पास है ना, मैं कर रहा हूं ना इतने लंबे समय से, तो आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं, मैं कह रहा हूं वैसे करना है, 100% वैसे करोगे तो होगा, नहीं होने का कोई कारण ही नहीं बचता। जैसे कल की छुट्टी हुई, मेरे को दुख हुआ इस बात का, कल यार गलत ही हो गया, कल हमें कल पर हमारा स्टाफ भी अड़ रहा था, नहीं सर छुट्टी तो दो। अब मैं यहाँ क्लास में दिखता हूँ, लेकिन इसके पीछे इतने सारे लोग होते हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो अकेले से सिस्टम नहीं चलता, अकेला नहीं हूं ड्राइवर, ड्राइवर में ड्राइवर के साथ साथ हेल्पर्स बहुत ज्यादा है, तो वो सारे हेल्पर भी काम करते हैं ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखो एक सेक्शन है 441, क्या है इसमें, क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रेसपास है ना। अब देखो ये है क्या, पहली बात क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि किसी दूसरे की संपत्ति में, किसी दूसरे के की संपत्ति या उसके कब्जे की संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ पजेशन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी, अदर्स प्रॉपर्टी में क्या करने के लिए जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग क्राइम, अपराध करने के इरादे से प्रवेश करना। आपके पास ना बेयर एक्ट है ना वो नोट्स है, हाँ पहली बार में नोट्स चाहिए, जाओ आप एक बार नीचे से, चलो आप तो बैठे रहो, क्या है मीडियम, ये मेरे स्टाफ की गलती है कि कह रखा है कि बिना नोट्स के नहीं भेजना है किसी को, अरे एक 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 स्टूडेंट को नोट्स नहीं दिए हिंदी मीडियम की, हिंदी मीडियम में एक नोट्स भेजो फटाफट, नोट्स के बिना नहीं बैठना है ना, नोट्स बेयर एक्ट ये आपके हथियार है। तो देखो एक लाइन का है कि अपराध करने के इरादे से किसी दूसरे के कब्जे की या दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग क्राइम टू एंटर एनोदर्स प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ पजेशन ऑफ एनोदा, दूसरे के कब्जे की, बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स में आप याद रखिए, दूसरे के या इंग्लिश में भी लिखूंगा,
दूसरा है एंटर, प्रवेश, और तीसरा है बस तीन बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्रिमिनल ट्रेसपास समझ में आ गया। एक लाइन में कोई कहे अपराध करने के इरादे से दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना या दूसरे के कब्जे की संपत्ति में प्रवेश करना। अब एक शब्द और है, एक शब्द है ना मैं या पर, इन और ऑन, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से समझो इन और ऑन का क्या है। आपको एक ने हाथ दिया, हाथ दिया, ठीक है ना, हाथ दे के वो बोला कि आपकी मोटरसाइकिल मेरे को माता छोड़ देना। बोले नहीं छोड़ रहे, आप जबरदस्ती बैठ गए उसकी मोटरसाइकिल पे, तो चल लेके माँ छोड़ना, सीधी सीधी छोड़ गया, एक मारूंगा गाल पे नहीं तो छोड़ के आएगा। तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल ट्रेस पास है, प्रॉपर्टी है ना आपकी। अब उसने कहा जी स्कूटर तो दूसरे का है, मेरे भाई का, छोड़ के मेरे को वहां तक, नहीं छोड़ के आ रहा, कब्जा किसका है, मेरा, तो मेरे कब्जे की है। तो क्या समझ में आया कि एक तो इरादा होना चाहिए अपराध करने का, वैसे ही बैठा है तो कोई मतलब नहीं है, दूसरा इरादा प्रॉपर्टी किसकी है, खुद की या दूसरे के कब्जे की। अभी कभी भूलोगे क्रिमिनल ट्रेस पास को, बाकी डायरेक्ट में क्या क्या लिख रहा है उसे बाद में पढ़ेंगे, अभी आपके दिमाग में आ गया। एक सामान्य आदमी भी पढ़े तो भी समझ में आता है कि भाई दूसरे की संपत्ति में या पर, या तो अपराध के इरादे से, ठीक है ना, तो वो जो कहलाता है क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। अब मान लो बात सिर्फ ट्रेसपास की आए, तो ट्रेसपास की आए अपराध कुछ नहीं करना, कार में बैठ गए आपके, आपने देखा ना बस में बैठ जाते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, चढ़ गए विदाउट टिकट, चढ़ गए भाई विदाउट टिकट, तो आपने अपराध तो कर दिया ना, बस में चढ़ गए सारे के सारे, टिकट भी नहीं ली, तो इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास ही है। समझ में आ गया ये। अब देखो कम टू द डायरेक्ट, डायरेक्ट में आओ एक बार, डायरेक्ट लो इंग्लिश में भी एक बार देखो, whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offense or immediate insult or annoy person in possession of such property and having lawfully entered into or upon such property and unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult, annoy of such person or with intent to commit an offense. जो कोई संपत्ति में या संपत्ति पर दूसरे के कब्जे में हिसाब से प्रवेश करता है, कोई अपराध करे, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, अवत्रस्त, अपमानित और क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में संपत्ति विधिपूर्वक प्रवेश करके विधिपूर्वक रूप से इस आशय से बना रहता है, तब द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति की अवत्रस्त, अपमानित और क्षुब्ध करे, इस आशय से बना रहता है कि कोई अपराध करे। अब देखो डेफिनेशन तो इतने में ही कंप्लीट हो गई थी, फिर क्या है, मान लो आप दूसरे के कब्जे की संपत्ति में अपराध के इरादे से प्रवेश कर गए, तो जिसकी संपत्ति है तो उसे क्या होगा, अरे वो इंसल्ट होगा कि नहीं होगा, या जबरदस्ती है, इंसल्ट, एनॉय, एनॉय मतलब दुखी होना, क्षुब्ध होना, क्या है एनॉय माने क्षुब्ध होना, दुखी होना, अरे यार जबरदस्ती घुस गए तो, एनॉयड मतलब एक तरह से गुस्सा होना, अपमानित होना, होगा कि नहीं होगा। दूसरी कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है, तो क्या समझ में आई आपके, इंसल्ट और एनॉय। अब एक एग्जांपल और, यहां तक तो इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये इस क्वेश्चन यही आएगा। एक और एग्जांपल, एक आपको एक ने हाथ दिया,
कार, आप कार से जा रहे, हाथ दिया, हाथ दिया आप, हाथ दिया आपने, बैठा लिया, बैठ गए, आपसे लिफ्ट मांगी थी, लिफ्ट मांगी, अब जा रहे हैं आप, टोंक जा रहे हैं। अब एक सामान्य सी बात है, इलेक्शन का समय है, आपने ही शुरू की बात, इसमें वोटिंग परसेंटेज इस बार बड़ा गिरा, 10% तक वोट गिर गए, ऐसा क्यों हुआ? बोले सर कुछ भी हो जाओ, वोटिंग कितनी भी गिर जाओ, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि वो भक्त था, वो भक्त था। तो फिर आपने कहा कि यार मोदी क्यों आएगा, सारा देश बेच दिया उसने, अडानी को अंबानी को बेचता ही जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पे कोई लेना देना नहीं, चंद्रमा पे भागने की प्रयास है। अरे जो पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करना चाहिए था, जो इस तरह की चीजों पे खर्च करना चाहिए था, वो अब आप में और उसमें बहस होने लग गई, और बहस इतनी, और उतर मेरी कार से, बोले नहीं उतर रहा। अब आप आया तो कैसे था, लॉफुली, अब क्या कह रहा है, नहीं उतर रहा मैं कार से, चल जहां तक तू जाएगा वहीं तक, अब तू कर ले क्या करेगा। अब वो भक्त था, आप कैसे लड़ोगे उससे? भक्त थोड़ा सा आप समझते हो किस नेचर का होता है, बुद्धि तो है नहीं उसमें। अब आप फंस गए ना, तो क्या समझ में आया आपके? अपराध करने के इरादे से नहीं था वो, ही एंटर्ड इन योर कार जस्ट विदाउट इंटेंशन ऑफ कमिट क्राइम, कोई इरादा नहीं था, लेकिन वहां बन गया, हॉट टॉक हो गई, किसी के घर गए, आओ भाई साहब चाय पी लेना, अब चाय पी ली, चाय पे पॉलिटिक्स की बात। और आप देखो कि जो देखो थोड़ी देर में पॉलिटिक्स की बातों में आ जाता है, और पॉलिटिक्स में झगड़ा होना ही है, क्योंकि विचार अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, और आजकल समाज में लोग पॉलिटिक्स को लेकर कट्टरवादी हो गए हैं। तो उसने कहा अच्छा चाय पी ली, अब तुम निकलो घर से, बोले नहीं जा रहे। तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल ट्रेस पास। अब चूंकि घर में हुआ है ये, तो यही हो जाएगा क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास, ये क्या हो जाएगा। तो इन सब में आपको क्या समझ में आई, एक लाइन समझ में आई, अपराध कंधे के इरादे से दूसरे की संपत्ति में या पर एंटर होना, ठीक है। अब एंटर होना ये अलग बातें हैं कि वो कोई इंसल्ट होगा, अपमानित होगा, ये सब चीजें वो तो होंगी होंगी, जब ऐसा करेगा कोई दूसरे की, कौन चाहता है कि मेरी संपत्ति में कोई जबरदस्ती करे। अब बात आती है कि कब्जा, संपत्ति जिसकी संपत्ति है लेकिन पजेशन उसका है ना। अब मान लो मकान मालिक है, किराया मांगने आया, आया किस काम से है, किराया मांगने, तो किराया आया तो सही तरीके से ना, किराया मांगने आया है, तो उसने कहा भाई साहब किराया दो, बोले हाँ ठीक है किराया दे देंगे, अभी है नहीं सर, अगले महीने, महंगाई इतनी ज्यादा है कि सारा कुछ बच ही नहीं रहा, सारा गड़बड़ चल रहा है, पूरा देश ही तबाह चल रहा है, मेरी हालत भी है, अगले महीने दे दूंगा, कि नहीं मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, नहीं जा रहा। अब यहां गड़बड़ हो गई, यहां जैसे उसने कहा, क्योंकि उसके पास क्या है, एक तरीका है, तरीका कौन सा, ही मे यूज, इफ ही इज नॉट पेइंग योर रेंट यू हैव द राइट, यू हैव द राइट, यू मे यूज द प्रोसीजर ऑफ लॉ, यू मे यूज अदर प्रोसीजर लाइक एज रेंट कंट्रोल, और इनमें तो ये सारा का सारा आपका दिया हुआ है ना, उनको तरीकों को अपनाओ ना। 3 महीने तक किराया नहीं दिया है तो इविक्शन का राइट मिल जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ाएंगे, 3 महीने तक
किराया नहीं दिया है तो क्या मिल जाएगा? इविक्शन का राइट मिल जाएगा। अब आप तो लठ लेके बैठ गए, बोले नहीं जाऊंगा यहां से, किराया लेके जाऊंगा, नहीं तो ताला लगा के जाऊंगा, निकल बाहर। ये तो भारी हो गया मामला। अपराधी कौन हो गया? मकान का मालिक ही अपराधी हो गया, वही क्रिमिनल ट्रेसपासर हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गया आपके? क्या ये सेक्शन? अब जस्ट अपना अपना बेरेक में से रीड कर लो, जो शब्द समझ में नहीं आया है उसे मेरे से पूछ लो। अब इसमें हाउस ट्रेसपास भी मैंने बता दिया। हाउस ट्रेसपास में हाउस है, अब हाउस को थोड़ा समझना पड़ेगा। हाउस क्या है? देखो, मान लो किसी ने एक मंदिर है, मंदिर तो मंदिर भी क्या है भाई, वहां लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं तो पुजारी का काम चलता है, यही व्यवस्था तो है ना मंदिर की। तो मंदिर, एक पुजारी ने सोचा, यार मेरा तो क्या, मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था बैठे बैठे, और मेरा तो सिलेक्शन हो गया और मेरे को तो सरकारी नौकरी मिल गई, अब इस मंदिर का क्या करें। तो मंदिर को उसने किराए पे दे दिया। बहुत सारे मंदिर ऐसे रेंट पे दिए हुए हैं, ध्यान रखना कि वही पुजारी नहीं चला रहा, पुजारी दूसरा है, उससे हर महीने चढ़ावा आता है, उसका परसेंटेज फिक्स कर लेता है। अब उसने मान लो 2-3 महीने तक नहीं दिया, अब मंदिर में जाके बैठ कर, निकल बाहर, नहीं तो मेरे को पैसे दे। 2 महीने से जो चढ़ावा आ रहा है उसका 50-50 तय हुआ था, दे नहीं रहा, उसमें भी तू, मैं कैमरे में देखता रहता हूं, उसमें से भी आधे कर लेता है, चोरी कर रहा है, बाहर ही कैमरे से बाहर ही लोगों से कहता है, भाई साहब इसमें मैं चढ़ाना, मेरे को दे देना। मंदिर है क्या? दुकान है। जितना बड़ा मंदिर उतना ही बड़ा शोरूम। शोरूम में बड़े बड़े मंदिरों में टिकट लगने शुरू हो गए, टिकट। तो वो भी हाउस है, कानून की नजर में क्या है? वो हाउस है। हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हाउस ट्रेसपास। क्या है वो? हाउस ट्रेसपास। जलयान, तंबू, मंदिर, जिन्हें हमें एकदम नहीं लगा, वहां मंदिर ट्रेसपास का कोई नहीं, टेंपल ट्रेसपास नहीं है, सब हाउस ट्रेसपास है। बैंक हो तो सब, जो कुछ भी जहां सामान रखे जाते हैं वो सब हाउस ट्रेसपास की कोटी में आते हैं। पढ़ लिया आपने? एक शब्द है लर्किंग। क्या चीज है? लर्किंग। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न। है ना? लर्किंग या प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? बचते बचाते। क्या मतलब है इसका? बचते बचाते, छुपते छुपाते। जैसे आपने गार्ड लगा रखा है। क्या लगा रखा है? गार्ड लगा रखा है। अब गार्ड को दोपहर का समय है, बाहर सो गया, और उससे छुपते छुपाते एक आदमी आपके घर में घुस गया, तो वो कहलाएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग का मतलब जो आंख देख सकती है उस आंख से बचकर निकलना। लर्किंग का मतलब, अब आंख कैमरा भी है, जैसे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे को खट से ईंट मार के फोड़ दिया, तो कैमरा तोड़ने का भी अपराध, और कैमरे से बचकर अंदर जाने का भी, तो वो भी लर्किंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लर्किंग। और यही काम रात में हो, हाउस ट्रेसपास बाई नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउस ट्रेसपास बाई नाइट हो जाएगा। और रात में छुपते छुपाते लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाई नाइट हो जाएगा। तो ये सारे समझ में आ गए क्या? कोई ऐसी चीज थोड़ी रही। और एक है हाउस ब्रेकिंग।
ग्रह भेदन, इस शब्द को थोड़ा समझिए, ग्रह भेदन या हाउस हाउस ब्रेकिंग क्या है? हाउस ब्रेकिंग में क्या है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इन पॉइंट्स में से किसी में भी आता है ना तो उसमें है, जैसे 446 देखो एक बार, प्रॉब्लम्स को देखो, मैंने मान लो मैंने अपना ये देखा कि अपनी घड़ी उतारी और जंगले में रख दी और जंगला खोल दिया, हजार हवा आती रहेगी। अब एक आदमी ने देखा यार जंगले में घड़ी रखी है, उसने देखा कि उंगली से आ जाएगी, ये तो सो रहा है, उंगली डाली, क्या डाला, उंगली डाल के खींच ली। इरादा क्या है उसका, टू कमिट क्राइम, क्या इरादा है, चोरी करना, अपराध करने का इरादा ही है ना, तो चोरी करने के इरादे से कर रहा है, उंगली डाल के निकाल रहा है, काय में कर रहा है, घर से निकाल रहा है। यही हाउस ब्रेकिंग भी है, क्या है ये, उंगली डालकर ऐसे खींचना, हाउस ब्रेकिंग हो गया, हाउस ब्रेकिंग हो गया। ये कोई रास्ता थोड़ा ही था जिसमें से आप जाओ निकले आओ, ठीक है ना, हाउस ब्रेकिंग हो गया। ऐसे ही मान लो आपने गार्ड लगा रखा है, घर पे गार्ड लगा रखा है, अब गार्ड से आपको पता है गार्ड अंदर नहीं घुसने देगा, एक आदमी आता है आपसे झगड़ा हो रखा है, आपको मारपीट करने आता है, आपके कोई भी अपराध करने आता है, गार्ड को धक्का देता है, इधर गार्ड को धक्का देकर आता है। अब एक तरह से गार्ड क्या है, दरवाजा, एक तरह से दरवाजा था, वो उसको धक्का दिया, अंदर आ गया और आपसे झगड़ा हो गया। ये सब क्या है, हाउस ब्रेकिंग, क्या है ये, हाउस ब्रेकिंग। पहले एग्जांपल्स को समझ लो, बाद में लॉ बाद में देखेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि दीज आर द एग्जांपल्स, कि कौन कौन से एग्जांपल है। एक आदमी है आपके घर में घुसना चाहता है, आपने ताला लगा रखा है, कैसे आ रहा है, इरादा वही है अपराध करने का, डोली कूद कर आ रहा है, क्या हो गया, हाउस ब्रेकिंग, क्या हो गया, हाउस ब्रेकिंग। मान लो एक ऐसा पुराना दरवाजा है जिस दरवाजे को आपने लगा रखा है, उसमें से सामान्य तौर पर लोग आते जाते नहीं है, उसने क्या किया, दरवाजे को क्या, ये तो दरवाजा हल्के से वैसे ही लगा हुआ है और दरवाजे के आसपास लकड़ियां और इस तरह की पड़ी हुई हैं, इनको हटाऊंगा तो अंदर घुस जाऊंगा, जो खोल दिया आ गया, ये भी क्या है, हाउस ब्रेकिंग, क्या है ये, हाउस ब्रेकिंग। देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने एक बार भी इस बी एक्ट को नहीं पढ़ा है और प्रॉब्लम्स को आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे ही मान लो एक दूसरे की छत है, दूसरे की छत पे से एक आदमी ऊपर से कूदा छत पे आ गया आपके, और आपके अंदर छत पे से आके अपराध कर लिया, ये भी क्या है, हाउस ब्रेकिंग, क्या है ये भी। एक आदमी ने क्या किया, एक लेडी थी, वैसे एविडेंस एक्ट में भी आ गया ये केस, एक लेडी थी, रियल केस है, एक लेडी थी, उस लेडी से उसके रिलेशंस भी थे, वो अकेली रहती थी और साथ में एक नौकरानी रहती थी, वो आदमी एक दिन देखा कि शाम के टाइम अंधेरा हुआ, अंधेरे में चुपचाप आके घर में प्रवेश कर गया, और जाकर क्या किया उसने कि जिस बेड पर वो लेडी सोती थी उसी बेड के नीचे जाके सो गया, और जो काम वाली थी, काम वाली लेडी से उस महिला की बहुत अच्छी इंटीमेसी हो गई थी, काम करती थी, वो कहती थी
अरे शांति क्या करेगी, जाके यहीं सो जा। तो वो भी वहीं उसके पास ही सो जाया करती थी, पास सो जाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उस लेडी का मर्डर हो गया, पास में सो रही थी, मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो अंदर से गेट में चिटकनी लगा रखी थी, वो आदमी ने देखा कि 1-2 बजे के आसपास ये गहरी नींद में होगी, उस समय उठा और निकला। चूंकि उसकी लड़ाई हो रखी थी, पहले दोस्त थी, लड़ाई हो रखी थी, तो उसने उसके तकिया रखा और उसको मार दिया। और वो जो नौकरानी थी, नौकरानी बेहोश होती रही, खटाटे भरती रही, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो रसोई में गई, मालकिन चाय पियो लाई, तो वो आई नहीं। अब उसने पुलिस को फोन किया तो नेचुरल डेथ नहीं थी, श्वास घुटने से डेथ हुई। बोले कहाँ, उसे बयान लिए, बोले हम तो शाम को सोए, रात को चटनी लगा के सो गए, सुबह ही मैंने चटनी खोली। तो उसी पे लोगों ने सोचा, पुलिस ने सोचा झूठ बोल रही है, इसी ने इसको मारा है। तो उस महिला के ऊपर ट्रायल चला, महिला को फांसी दे दी गई, शांति को फांसी दे दी गई। एक दूसरे केस में वो आदमी पकड़ा गया, पुलिस ने उसे टॉर्चर किया। तो बोले बता और क्या क्या अपराध किए। तो वो लेडी भी जो मेरी दोस्त थी, मैंने ही मारी थी। दोस्त सामान्यतः दुश्मन हो जाते हैं, तो दोस्ती भी क्या है, बैलेंस रखनी चाहिए। ज्यादा दोस्ती भी दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है लोगों की। तो उसने मार दिया, बाद में पता चला। तो एक अपराध, उसने क्या क्या अपराध किए। अब जैसे ये चार्ज लगवाने के लिए आया था मेंस में, एक बार क्या क्या अपराध किए, तो हत्या करना वो अलग बात है, क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास भी किया था। क्या किया था, और छुपके गया था, लर्किंग भी था, रात में गया था, ठीक है, सबके समझ में आ गया। अब देखो, और ये भी हाउस ब्रेकिंग ही था। अब जैसे मान लो एक आदमी आपने बुला लिया, दोस्त है आपका, हिसाब किताब करने के लिए बुलाया, पैसा सामान्यतः दोस्ती को खराब करने के लिए सबसे बड़ा औजार है। दोस्ती कितनी मजबूत है उस समय पता लगती है जब पैसा बीच में आ जाए। पैसा बीच में आते ही दोस्ती की गहराई पता लग जाती है। तो दोस्त को बुला लिया, हिसाब किताब होने लगा। उनका यार तैने इंश्योरेंस मेरी कंपनी के अकाउंट से दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी के, तो यार मैं काम भी तो ज्यादा करता हूं। अब वहां झगड़ा होने लगा, बोले तेरा इंश्योरेंस मैच्योर होने पर कंपनी का माना जाएगा। बात सही कह रहा था, लॉ के अनुसार उसी का माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट से दिया ही था, क्यों। तो इस पर झगड़ा होने लगा, झगड़ा यहां तक बढ़ गया, थोड़ी देर में बढ़ जाता है कि मारपीट होने लगी। अब मारपीट होने लगी तो मारपीट में उसने अपने आदमियों से कहा कि बंद कर दो सारे दरवाजे, बाहर ना निकल पाए। तो देखो, एक ध्यान रखना, प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों अपराध है, ध्यान रखना इसमें। अपराध करके बाहर ऐसे रास्ते से निकलना जो रास्ता नहीं है, तो वो डोली कूद कर जाता है, दरवाजा तोड़ कर जाता है, कैसे भी जाए वो सब हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। उठा लो हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। तो हाउस ब्रेकिंग का अभी तो हमने लॉ के बिरेक्ट में क्या लिखा है वो तो पढ़ा ही नहीं। क्या आपका हाउस ब्रेकिंग के संबंध में कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, हाउस ब्रेकिंग के संबंध में? देखो बहुत सिंपल है, क्या है, एक है इरादा। जब भी कोई जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास से ही आगे चले हम,
इंटेंशन होता है अपराध करने का। दूसरी, जैसे ही हाउस ब्रेकिंग पे जाएंगे तो वो कहता है प्रवेश करना और बाहर निकलना। क्या कहता है? प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों ही। तो 445 में क्या दे रखा है कि हाउस ब्रेकिंग इन छह तरीकों में से किसी से भी तरीके से करे तो माना जाएगा। जैसे कोई आदमी है ताला तोड़ लेता है, ताला तोड़कर अंदर घुसता हाउस ब्रेकिंग है, गेट तोड़कर अंदर घुसे हाउस ब्रेकिंग है, कहीं ऐसी जगह पर रास्ता बना ले जैसे घर में एक मोखा बना लिया उसमें से घुस गया हाउस ब्रेकिंग है, हाथ डाल के अंदर हाथ डाला गड्डी निकाल ली हाउस ब्रेकिंग है, अंदर से चिटकनी खोल के कैसे घुस गया हाउस ब्रेकिंग है, ये सब हाउस ब्रेकिंग में आते हैं। एक बार अपने अपने बैरक से 445 पढ़ी है, अपने अपने पैरक से जो लाइन समझ में नहीं आई वो मेरे से पूछ लीजिए, 445 पढ़ी अच्छे से और हाईलाइट करो, लंबी लंबी लाइन है नहीं, बीच में पॉइंट से हाईलाइट करा करो। देखो समझ में आ गया आपके, ये छह पॉइंट्स हैं, इनको और शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला तो है रास्ता, दूसरा रास्ता मानव प्रवेश के लिए आयोजित नहीं, पैसेज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। थर्ड वन इज पैसेज वॉज ओपन्ड बाय ट्रेसपासर। By trespasser, by any means which is not intended by owner. Owner ने सोचा ही नहीं था, जिस जिस तरह से तोड़ दिया, जैसे बम मारा तोड़ दी दीवार और फिर घुस गए, ठीक है ना, ताला खोलकर opening any lock, used criminal force or assault। जैसे एक आदमी खड़ा है दरवाजे पे गेट पे, बोले गेट खोल कि भाई साहब आईडी दिखाओ किसे मिलने जाना है, हाथ उठाया अभी थप्पड़ खाएगा वो हट गया अलग, आप घुस गए। ये क्या है? असॉल्ट। ये क्या है? असॉल्ट, हमला। हमले में थप्पड़ मारना जरूरी नहीं है, थप्पड़ मारने से दूसरा अपराध हो जाएगा। क्या है? जेस्चर। क्या है इंपॉर्टेंट? जेस्चर। जेस्चर, यू यूज द जेस्चर, ऑफेंस हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे ही आपने अपना जेस्चर चेंज किया जिससे कि आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स यूज होने ही वाला है, क्या है? क्रिमिनल फोर्स यूज होने ही वाला है। समझ में आ गया? ये इसको आप शॉर्ट में लिख लो, हमने और शॉर्ट बना रखा। देखो देखा जाए तो तीन तो रास्ते ही हैं, वैसे रास्ते तो सारे ही हैं। पहला रास्ता मानव के लिए रास्ता नहीं, बंद साधन, रास्ते का साधन ओपन करने के लिए साधन, ताला खोलना, क्रिमिनल फोर्स और क्लोज्ड पैसेज। याद हो गया सबको? अब आप अपना बैरक पढ़ के इनमें से कोई शब्द जो आपको समझ में नहीं आया हो, जहां से समझ में नहीं आ रहा हो वो मुझे पूछ ले। अब देखो एक एग्जांपल से, जैसे एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे एक आदमी का ये घर बना हुआ है, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ तो घर बना हुआ है ये, और ये सारा का सारा खुला हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। चोर आए, उन्होंने पहले इस घर में घुसे, यहाँ कुछ भी चोरी नहीं की, यहाँ से निकलते निकलते फिर
इस घर में यहां होके इस घर में प्रवेश करा। तो जो ए है क्या उसके घर के साथ भी हाउस ट्रेसपास हुआ क्या या हाउस ब्रेकिंग भी हुआ क्या? हाउस ब्रेकिंग भी हो गया। मान लो बाउंड्री नहीं हो रही है तो है? बाउंड्री नहीं हो रही है तो बाउंड्री जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरे के कब्जे की संपत्ति में प्रवेश करना या बने रहना। कब बन प्रवेश करना या बने रहना। बने रहने का मतलब प्रवेश आपने अच्छे से किया लेकिन आपसे कहा निकलो बाहर तो नहीं निकल रहे, तो तत्काल जैसे वो कहता है आप नहीं निकलते हो दूसरे की पजेशन की प्रॉपर्टी से, ये क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। और थप्पड़ मार के निकले और जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से भिन्न रास्ते से निकले, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। समझ में आ गया सबके? डायरेक्ट पढ़ लिया। अब देखो बहुत सारे वो दे रखे हैं, ये इलस्ट्रेशन जो दे रखे हैं ना ये मैंने सारे बता दिए। एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग होल, एक होल बना लिया है थ्रो वॉल जेट्स एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रो द अपेचर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना जयपुर में हुई, लोगों ने सुरंग बनाई बैंक तक के लिए, तो वो हाउस ब्रेकिंग है क्या? हाउस ब्रेकिंग किसमें आएगा? हाउस ब्रेकिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया है। इलस्ट्रेशन पढ़ो फटाफट, जो खिड़की वाला भी मैंने लिख बता दिया आपको। तार डाल के सिटकनी खोलना ये भी बता दिया मैंने आपको, चाबी से खोलना ये भी बता दिया। एक आदमी जोड़ी पे खड़ा है उसमें धक्का देकर उसके घर में घुस जाता है, वो भी हाउस ब्रेकिंग है। इलस्ट्रेशन पढ़ो फास्ट, इलस्ट्रेशन आते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ो एक एक बात जस्ट पढ़ो। मैंने तो पढ़ा दिया है, ये सब बता भी दिए लेकिन फिर भी आप पढ़ो जल्दी याद हो जाएंगे। पढ़ लिया? अब देखो नेक्स्ट एक सेक्शन और आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, 452। ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना घरों में, जाके पीट दिया साहब, हम घर में खड़े थे घर में आए और ऐसे घुस के पीटा, ये सब 452 है। पढ़ो 452 एक बार। गुरुजी कृपया करके एक दिन कक्षा में परीक्षा पेपर के प्रश्नों को समझाने की तकनीकी बारीकी सिखाइए। हित शुक्ला, प्रीत यार हिंदी बहुत अच्छी लिखते हो। ठीक है, ये इसके लिए हमने समय रखा है शाम का, क्योंकि क्या है कि हमारे पास पहाड़ जैसा सिलेबस है। तो मैं वैसे तो जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शाम को उन्हें सुबह बता दूंगा, लेकिन मेरे विचार था अभी क्यों ना हम 10 बजे से 10:30 बजे उस समय डिस्कस कर ले आधा घंटा, और जो क्लास उसमें गूगल मीट से जुड़ जाएंगे या किसी से भी जुड़ जाएंगे उस समय घर पे हम होंगे, और आपको ऐसे खड़े खड़े बताने की जरूरत नहीं है, हम तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही बता देंगे। ठीक है ना, तो उस समय हम आपको बता देंगे। कोई जो लिखी है ना आपने कि तकनीकी या बारीकी सिखाइए, तो वो तकनीकी बारीकी हम सिखा देंगे। आएगा तो ट्रंप ही। देखो मैं तो क्या है, पढ़ाने इससे ही आपको कुछ संदेश दे देता हूं। ये है आगे वाला, थोड़ा सा
टफ है सेक्शन, ऐसे तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था टफ है, क्योंकि टफ बोलते या वो समझ में नहीं आता, हमेशा ही कहना चाहिए बहुत सरल सेक्शन है। जब हम सरल कह देते हैं ना, अच्छा आप लोगों को लॉ जब मैं पढ़ाता हूं तो टफ लगती है क्या? कोई है स्टूडेंट जिसे टफ लगती हो? किसी को नहीं लगती? हाँ सोनू निगम, नहीं सारे ही देखो, एक सेलिना जेटली बैठी है, ठीक है, खैर टफ है भी नहीं। एक बार फोर्जरी की डेफिनेशन को पढ़ो, 463। अभी मैं एक बार चैप्टर चेंज कर रहा हूं, चैप्टर 18 आ गया अभी तक। देखो आपने पूरा चैप्टर 17 हो गया, चैप्टर 17 में चैप्टर का नाम क्या था? ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। 16 का क्या नाम था? ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले। चैप्टर्स के सबके नाम याद होने चाहिए, सारे चैप्टर्स के, और वैसे याद हो जाते, पढ़ते पढ़ते याद हो जाते, याद करने नहीं पड़ते, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंसेस थे सारे के सारे, विभिन्न ऑफेंसेस को आपने देखा प्रॉपर्टी संबंधित। अभी जो चैप्टर नया चैप्टर है, चैप्टर 18 है। अब ये चैप्टर 18 का जो नाम है, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। देखो क्या है, अभी जैसे 17 में मैं पढ़ा था ना प्रॉपर्टी के, तो वहां प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हिट कर रहे थे, यहां डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रॉपर्टी को हिट करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स, जैसे किसी की विल है तो हुआ क्या, कागज में कोई चेंज आया लेकिन हुआ क्या, उससे प्रॉपर्टी का चेंज चला गया। दूसरा, यदि आपको 420 कौन सा सेक्शन, चीटिंग, तो 420 में एक शब्द मैंने वहां आपको कहा था, एक शब्द दे रखा है रचना। क्या दे रखा है? दोबारा देखो, अभी एक शब्द दे रखा है ना, रचना। मेकिंग दे रखा है क्या? वो डॉक्यूमेंट्स की ही मेकिंग है। यू आर मेकिंग फोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे देखो समझो एक बार, जैसे एक आदमी गया, किसके पास गया, रियल एग्जांपल बता रहा हूं, अलवर का आदमी, और सूट वूट पहन पहन के गया, और उसने क्या किया, एक यही का मोटर्स का है, मोरानी मोटर्स के नाम से एक वो चलती थी, तो पता नहीं कौन सी BMW थी या कोई गाड़ी थी जो करोड़ के आसपास की आती थी। तो उसने कहा कि बोलो देखो भाई साहब, मेरी तो क्या बड़ा काम है, करोड़ 2 करोड़ रुपए कुछ है ही नहीं, मैं तो सारा नकद में लूंगा। अब वो भी चौंका, यार कोई आदमी नकद में लेने वाला, कि बोले ठीक है नकद में ले लो, हमारे को क्या दिक्कत है। गाड़ी चलाई, गाड़ी बड़ी अच्छी लगी उसको, तो बोले कि लाओ कंपनी अकाउंट दो, अभी मैं ट्रांसफर कर देता हूं। तो जैसे उसने दिया के लो ये तो कंपनी अकाउंट, अब वो तो बोले भाई साहब इसमें तो 1 लाख ही हुए, लिमिट है, एक काम कर देता हूँ, चेक दे देता हूँ, आप लगा दो अभी, अभी ट्रांसफर हो जाएंगे। अब उसकी बात, उसकी भाषा, दिल्ली में रहा होगा, हाई फाई लेवल की भाषा बोल रहा था,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे तो आ जाएंगे, चेक दे दिया, चेक दे दिया, गाड़ी ले ली। और देखे कितने रुपया आया, 1 करोड़ की गाड़ी के 1 लाख रुपया, गाड़ी लेके चला गया। दूसरे दिन उसने चेक लगाया, चेक लगाया तो चेक जाते ही डिसोनर। अब उसको फोन करे, फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसने फोन उठा भी लिया तो बोले भाई साहब आपका वो चेक तो डिसोनर हो गया, इनसफिशियंट बैलेंस है। अरे बैलेंस तो बहुत पड़ा है, 25-30 करोड़ रुपए पड़े हैं भाई उसमें, तो वो तो आपकी कोई गलती होगी, दोबारा लगा दो। पूछा उसको, उन्होंने कहा भाई साहब 400 रुपए पड़े इसके। अब वो क्या है लोग, वो तो गाड़ी आराम से कभी किसी शादी में ले जा रहा है, रोजाना फोटो डाल रहा है फेसबुक पे और उस पर सब पे, तो मेरे पास आए। बोले अब क्या करें, तो बोला कि उसे फोन किया मेरे यहां से, तो भैया उन्होंने कहा ऐसा है कि यार चेक डिसोनर हो गया, चेक डिसोनर का केस कर लो आप। अब उनका तो दिमाग खराब हो गया, चेक डिसोनर का केस करेंगे तो ये कब डिसाइड होगा, कब क्या होगा, गाड़ी तो ले गया और गाड़ी आराम से चला रहा। उन्होंने कहा चेक डिसोनर का केस कर लो, उन्होंने कहा केस तो 5-7 साल 10 साल लगेंगे जब जब, और उस समय कह देगा लो जी पैसे, तो क्या करें। मैंने उसको, मेरे पास बैठा था, मैंने कहा देखो ऐसा है, इससे बात करने की अब जरूरत नहीं है। बोले क्या करें, मैंने कहा FIR दर्ज कराओ चीटिंग की। बोले चीटिंग कैसे हुई, चेक डिसोनर है। अरे मैंने कहा ये तुम्हें पता नहीं है, ये अभी भी ये चीटिंग भी है। पहली बात 420 पढ़ो, क्या किया, डॉक्यूमेंट रचा कि नहीं रचा, नया डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट किस इंटेंशन से कि वो देने ही नहीं है पैसे। मैंने कहा ये 420 भी है, केवल चेक डिसोनर का मामला नहीं है, 420 भी है। FIR दर्ज होते ही खट से व्हाट्सएप पे FIR की कॉपी डाल दी, FIR दर्ज हो गई, FIR की कॉपी डाल दी। बोले भाई साहब आ रहा हूँ मैं एक बार, गाड़ी क्या लेके आ रहा हूँ आपको, सारा पेमेंट देता हूँ। अब वो तो आ गया, पकड़ लिया उन्होंने। उन्होंने कहा देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को तो क्या है वही 1 लाख थे और मैंने एंजॉय कर लिया 2-2.5 महीने और 1 लाख तुम्हें दे दिए। गाड़ी ले रहे हो तो ले लो, नहीं जा रहा हूं तो मैं जो करना हो वो कर ले रहा हूँ। उन्होंने कहा तू तो गाड़ी दे जा और FIR हम कैसे। तो बोले मेरे को तो 1 लाख में एंजॉय करना था, तो 4 महीने मैंने गाड़ी सारे सबको दिखा दी कि मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लाया हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। गर्लफ्रेंड को घुमाना था वो मैं घुमा चुका। तो ये केस मेरे सामने आया था। तो ये क्या है, चीटिंग भी है। क्या है ये, चीटिंग है। कौन से सेक्शन में, 420। चेक डिसोनर नहीं है सिर्फ, यहां तक की समझ में आ गई। दूसरी, केवल चीटिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट भी बना है, फोर्जरी भी है। क्या है, फोर्जरी भी है। फोर्जरी अर्थात कूट रचना, कूट रचना। अब 463 के एक बार पढ़ो, आप रीड करो 463 रीड करो।
ये मैंने जानबूझ के लिखे हैं अलग अलग, जिससे कि हम ज्यादा अच्छे से समझ सकें और एक बार इसे इतना अच्छे से समझ लें कि फिर कभी गलती जीवन में होने की संभावना